Subscribe Review Master Vikrant in your YouTube app and get all videos of Review Master. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। यदि आपने मेरी ये पिछली वीडियो देखी है तो इसमें मैंने जिक्र किया था ऐसी घटना का जिसमें कि निकॉन D3300 को खरीदने में मुझे एक फ्रॉड का सामना करना पड़ा था और मैंने आप लोगों से यह वादा किया था कि मैं निकॉन D3300 की अनबॉक्सिंग अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो प्रस्तुत है निकॉन D3300 की अनबॉक्सिंग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये इसका बॉक्स है जो कि आया था और ये सब डिटेल थोड़ी बहुत चारों ओर से 32,950 रुपये का था। मुझे 25,000 रुपये में मिला था ये कैमरा और कुछ फ्रीबीज हैं इसके साथ। एक वाईफाई मेमोरी कार्ड जो कि तोशिबा का है, ये एयर फ्लैश का, और एक ट्राईपॉड फोटोन का जो कि ये भी फ्री मिला था एक तरह से इसमें। 4.5 फीट हाइट है इसकी। हाँ, इसका प्राइस देख लीजिए, 3100 रुपये का है। 16 GB का प्राइस, 16 GB मेमोरी का है। दोनों को किनारे रखते हैं। और एक और चीज़ इसमें, ये DSLR बैग जो कि फ्री मिला था, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो DSLR बैग, काफ़ी बड़ा बैग है और ये स्ट्रैप है इसके साथ कंधे में लटकाने के लिए। अब सब चीज़ को किनारे रखते हैं और अपनी मेन चीज़ की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये हमारा निकॉन D3300, इसकी स्लिप निकालते हैं उसे। ओपन करते हैं। अब थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं कि जो कुछ मैनुअल्स, कागजी कार्रवाई, ये सबको आके बस एक लुक देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। ये सब चीज़ें कागजी कार्रवाई, ये CD मिलती है आपको, इसके अंदर मैनुअल था। अब आप मेन, हम लोग ये कैमरा की लेंस यूनिट देख रहे हैं। 18mm टू 55mm लेंस है, 3x जूम का लेंस है ये, और जो कि बेसिक लेंस है कैमरे के साथ मिलता है बेसिक लेंस। इसके बाद ये ऑडियो वीडियो आउटपुट के लिए, आप टेलीविज़न या किसी भी लगा के देख सकते हैं। ये आपको एक डेटा केबल मिलता है डेटा सिंकिंग के लिए। ये एक स्ट्रैप मिलता है आपको कैमरा लटकाने के लिए। ये चार्जर है, डायरेक्ट प्लग करेंगे चार्जर को बैटरी चार्जिंग के लिए। ये सब इसकी डिटेल्स हैं, नॉर्मल बैटरी चार्जर है। और ये आपको एक बैटरी मिलती है 1250 mAh की। तो इसको सबको किनारे रख लेते हैं और फिर मेन कैमरा यूनिट देखते हैं। ये कैमरा है निकॉन D3300 जो कि 3200 का ये एक अपग्रेड वर्जन है। ये इसके डिस्प्ले इसमें क्या मिलता है, यहाँ पर ये आपको ऊपर, सबसे ऊपर वाला कोई वाईफाई डिवाइस लगाने के लिए जो अडाप्टर होता है उसके लिए, उसके नीचे आपको माइक के लिए मिलता है और फिर HDMI, और ये नीचे सबसे नीचे में आपको एक लगाने के मिलता है डेटा की ब्रांडिंग। ये एक लेंस निकालने के लिए, ये जो भी हमारा चेंज करने के लिए इफेक्ट्स और जो कुछ भी, ये है फोकस का लैम्प, जो लैम्प जलती है जो फोकस करते हैं आप। तो और ये है मेमोरी कार्ड स्लॉट, ये बैटरी यहाँ पर लगेगी, बैटरी का स्लॉट है, लगा के एक बार देखते हैं। और ये लग गई। चलिए कैमरा ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया,
डिस्प्ले आ गया। अभी शुरुआत लैंग्वेज पूछ रहा है, लैंग्वेज डालने के बाद आगे बढ़ते हैं और इसका टाइम जोन पूछ रहा है। पूरा सिस्टम रेडी करके मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। कैमरा ये अब रेडी हो चुका है और मेमोरी कार्ड मांग रहा है। लेंस जोड़ते हैं इसमें, लेंस के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा था। डॉट से डॉट मिला के एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये कैमरा फिट हो जाता है। लेंस खोलने के लिए बोल रहा है, मेमोरी कार्ड लगाते हैं इसमें। और ये मेमोरी कार्ड लग गया है और ये कैमरा रेडी हो रहा है फोटो खींचने के लिए। इसकी फ़ोटो मैं अंतिम में अटैच कर दिया हूँ, उसको देख लेते हैं। ये सब फ़ोटो उसी से खींची हुई हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें लाइक करें, शेयर करें और यदि कोई आपका सुझाव या सवाल हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाएं। और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही हम इस चैनल पे गिव अवे लाने वाले हैं, तो जिसका आपको तुरंत सूचना मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।